हेलो डियर स्टूडेंट, अब हम वीडियो के इस सेगमेंट में अमाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, या फिर हमारे कुछ इन्हें कन्वर्जन क्वेश्चन होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वहां से हमको कुछ ना कुछ आइडिया लग जाता है। तो अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को डील करते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चन से एक एक करके देखते हैं बच्चों सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, हमारा क्वेश्चन है सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मिथाइल अमाइन की रिएक्शन अगर मैंने HNO2 के साथ करा दिया, नाउ फर्दर इसकी रिएक्शन मैंने Pi3 के साथ करा दिया, नाउ फर्दर अगर मैंने इसकी रिएक्शन NaCN के साथ करा दिया और मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा दिया, तो आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? आपको थोड़ा आइडिया लगाना है किस तरीके से जाएंगे बच्चों इसमें, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मिथाइल अमाइन का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर समझते हैं सॉल्यूशन। मिथाइल अमाइन का मतलब क्या हो जाएगा, CH3NH2, इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल अमाइन। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, मिथाइल अमाइन। ये आपका क्या हो जाएगा, मिथाइल अमाइन। अब मिथाइल अमाइन की रिएक्शन अगर मैंने HNO2 के साथ करा दिया बच्चों, तो आपको क्या बनेगा, ध्यान से समझना। यहां पर आपका बनेगा CH3OH बन जाएगा, मतलब मैंने आपको बताया था HNO2 वाला रिएक्शन कौन सा, NaNO2 और HCl वाला, कौन सा, NaNO2 और HCl वाला रिएक्शन है, वही रिएक्शन होगा। HNO2 बोलो या फिर आप क्या बोलो, NaNO2 और साथ में HCl, बात वही है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझना। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन में Pi3, जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन Pi3 के साथ कराऊंगा तो आपका OH हटेगा, वहां पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा, आयोडीन ग्रुप आ जाएगा। आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैंने इसकी रिएक्शन CN के साथ करा दिया तो आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। जब आपको यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, आप यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करा दिया, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कराने से आपको क्या बेनिफिट, तो देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कराएंगे तो यहां पर आपका CH3CH2NH2, मतलब एक कार्बन बढ़ गया, ठीक है। तो देखो मिथाइल अमीन से मुझे क्या बन गया बच्चों, इथेन अमाइन। तो थोड़ा इस तरीके का हमको काम करना है कि हमारा यहाँ पर कंपाउंड में इंक्रीमेंट हो, डिक्रीमेंट ना हो। अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, इथाइल अमाइन की रिएक्शन करानी है। देखो सेकेंड इथाइल अमाइन की आपको रिएक्शन करानी है, इथाइल अमाइन की रिएक्शन करानी है आपको किसके साथ बच्चों, HNO2 के साथ। नाउ फर्दर इसकी रिएक्शन आपको K2Cr2O7 के साथ आपको क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। फिर इसके बाद इसकी रिएक्शन मैंने SOCl2 के साथ करा दिया, नाउ फर्दर इसकी रिएक्शन मैंने NH3 के साथ करा दिया, नाउ फर्दर इसकी रिएक्शन मैंने Br2 और KOH के साथ करा दिया, तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, एक एक करके ध्यान से समझेंगे बच्चों। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन आता है बच्चों JEE या फिर नहीं तो मेडिकल में, तो एक एक करके ध्यान से समझो, काफी इतना रॉकेट साइंस नहीं होता बच्चों ये। देखो एक एक करके ध्यान से समझेंगे सॉल्यूशन। इथाइल अमाइन मतलब CH3CH2NH2, इसकी रिएक्शन अगर मैंने HNO2 के साथ करा दिया तो वही वाला स्टेप आपका रिपीट होगा, तो यहां पर CH3CH2OH बन गया। नाउ इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो क्या बनेगा बच्चों, यहां पर ऑक्सीडाइज होके CH3COOH, और मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन SOCl2 के साथ आपको बता रखा है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला ग्रुप रिप्लेस करेगा और यहां पर कौन सा आ जाएगा बच्चों, आपका क्लोरीन कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड आ जाएगा, क्लोरीन कंपाउंड। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अमाइन के साथ, जब मैंने अमाइन के अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो ये आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर CH3O-Cl और यहाँ पर NH3+ हो जाएगा। अब ये बॉन्ड नीचे जाएगा तो यहाँ पर Cl निकलेगा जो कि इसके हाइड्रोजन को ट्रैप करता हुआ बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3CO-NH2 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप का रिएक्शन का नाम क्या होगा बच्चों, बताओ थोड़ा सा नाम सोच के बताओ क्या होगा नाम इसका, इसका नाम होगा बच्चों हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन।
अब हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोनिल बॉन्ड हटके सीधा क्या आ जाता है बच्चों आपका NH2 वाला कंपाउंड, सीधा आपका क्या आ जाता है NH2 वाला कंपाउंड, तो ये वाला बॉन्ड हट जाएगा तो यहां पर आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे मेथेनामाइन, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों मेथेनामाइन। आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको रिएक्शन को डील करना है। नाउ बच्चों अब हम समझते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों अब हम अच्छे से, तो एक और रिएक्शन को समझते हैं बच्चों। तो यहां पर अगला क्वेश्चन है हमारे पास इथाइल अमाइन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों इसको देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इथाइल अमाइन की रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है, HNO2 के साथ करानी है, और नाउ फर्दर इसकी रिएक्शन मुझे ऑक्सीडेशन कराना है K2Cr2O7 के प्रेजेंस में, देन इसकी रिएक्शन मुझे CaOH के होल टू एस के साथ करानी है, और फिर मुझे हीट करना है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो काफी अच्छे अच्छे रिएक्शन इसके अंदर आ चुके हैं बच्चों, अब आपने जो भी पढ़े हैं ना सारे रिएक्शन आपके रिपीट हो रहे हैं। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा बच्चों, देखो मैंने यहाँ पर इथाइल अमाइन बना दिया C2H5NH2, अब देखो इसकी रिएक्शन मैंने अगर HNO2 के साथ कराया तो वही प्रोसेस आपका रिपीट होगा, तो यहां पर CH3CH2OH, नाउ फर्दर अगर मैं ऑक्सीडाइज कराऊंगा तो यहां पर CH3COOH बन जाएगा, नाउ फर्दर इसकी रिएक्शन अगर मैंने CaOH के होल टू एस के साथ कराया तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों CH3COO- CH3COO-, नाउ ये आपका कैल्शियम यहां बन जाएगा +2। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसको हीट करूंगा तो ये कौन सा रिएक्शन था, पायरोलाइसिस ऑफ एसिड सॉल्ट का रिएक्शन था, तो ये यहां से ये आपका बाहर निकल जाएगा और आपका क्या बन गया बच्चों एसीटोन, यहां पर आपका क्या बन जाएगा एसीटोन। तो थोड़ा सा रिएक्शन के बारे में सोचो समझो एक दो बार तो आपको अपने आप आ जाएगा, ठीक है बच्चों काफी इजी रिएक्शन से। नाउ आप देखते कुछ कन्वर्जन, आप देखो कुछ कन्वर्जन किस तरीके से करेंगे, तो देखते बच्चों यहां पर नेक्स्ट कन्वर्जन में आपको पहला क्वेश्चन है आपका यहां पर फोर्थ क्वेश्चन कन्वर्ट कन्वर्ट प्रोपियोनिक एसिड टू इथाइलामाइन, प्रोपियोनिक एसिड टू इथाइलामाइन। अब देखो इस रिएक्शन को हम कैसे डील करेंगे बच्चों, काफी इजी है देखते हैं कि करके ध्यान से। यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, देखो सबसे पहले प्रोपियोनिक एसिड क्या होगा बच्चों आपका CH3CH2COOH, या आपका प्रोपियोनिक एसिड और आपका इथाइलामाइन CH3CH2NH2। आपको समझ जाना है कि यहां पर मुझे नंबर ऑफ कार्बन भी कम करना है, नंबर ऑफ कार्बन भी कम करना है, कंपेयर करो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन 3 और यहां पर नंबर ऑफ कार्बन 2, तो नंबर ऑफ कार्बन मुझे कम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैंने इसकी रिएक्शन मैंने आपके SOCl2 के साथ करा दिया, तो SOCl2 के साथ कराने पर क्या फायदा बच्चों CH3CH2COCl हो जाएगा, अगर मैंने नेक्स्ट रिएक्शन NH3 के साथ करा दिया तो आपका क्या बन जाएगा Cl हटके NH2 आ जाएगा, Cl हटके क्या आ जाएगा बच्चों आपका यहां पर NH2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट अब क्या करूं, मुझे एक कार्बन कम करना है, तो एक कार्बन कम करने वाले भी बेटे आपके बहुत सारे रिएक्शन है, तो इसको समझो यहां पर अगर मैंने इस ग्रुप को हटा दूं तो आपका ये मिल जाएगा, तो इस ग्रुप को हटाने के लिए क्या करूंगा हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा CH3CH2OH, ठीक है। इसका एक और मेथड हो सकता है, एक और तरीका हो सकता है वो आपको बताना है, सेकंड मेथड से आपको किस तरीके से जाओगे वो आपको अप्रोच करना है बच्चों, सेकंड मेथड आप लोगों को बताना है एग्जैक्ट मेथड, ठीक है ये आपका होमवर्क है बच्चों, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन बेटा कन्वर्जन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैंने यहां पर 3 स्टेप में किया है, आप चाहो तो इसको 10 स्टेप में भी कर सकते हो, लेकिन कन्वर्ट आपको वो भी कन्वर्जन सही माना जाएगा, ठीक है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कन्वर्ट कन्वर्ट प्रोपियोनिक एसिड टू एन ब्यूटाइल
अमाइन। अब यहां पर आपको प्रोपियोनिक एसिड से एन-ब्यूटाइल अमाइन आपको बनाना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एन-ब्यूटाइल अमाइन बनाना है आपको प्रोपियोनिक एसिड से, तो आप किस तरीके से डील करोगे बेटा इसको? ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें आप इसको किस तरीके से डील करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। सबसे पहले हमको क्या करना है समझना ध्यान से, प्रोपियोनिक एसिड क्या होता है बच्चों? आपका CH3CH2COOH, और आपका एन ब्यूटाइल मतलब CH3CH2CH2CH2NH2, ये हो जाता है। अब देखो यहां पर 3 कार्बन है, यहां पर 1 कार्बन आपको बढ़ाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CH3CH2C, यहां पर मैंने इसको कर कर दिया, इस तरीके से लिख दिया। इसमें मैं क्या करूंगा, अगर मैंने इसका रिडक्शन कर दिया, क्या कर दिया सबसे पहले, अगर मैंने इसका यहां पर रिडक्शन कर दिया, देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ रिएक्शन करा दिया, तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, CH3CH2CO, यहां पर आपका आ जाएगा, सॉरी यहां पर आपका यहां पर CH2OH आ जाएगा। अब अगर मैंने OH को रिप्लेस कर दिया किससे, CN से, तो 4 कार्बन आ गए ना, तो अगर मैंने इसकी रिएक्शन NaCN के साथ करा दिया, तो यहां पर CH3CH2CH2CN आ गया। नाउ अगर मैंने इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा दो बच्चों, इसको मैं अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो इसमें कन्वर्ट करना, तो फिर से मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा दिया, तो CN आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। और कोशिश करना कि जब भी आपका कन्वर्जन का क्वेश्चन हो तो इन क्वेश्चन को आप यहां पर रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ज्यादा से ज्यादा यूज करो, क्योंकि उससे आपके काफी ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आपस में इंटरचेंज होते हैं। ध्यान रखना फंक्शनल ग्रुप इंटरचेंज करना आपको आ जाएगा, ठीक है बच्चों? तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है बच्चों, 6th क्वेश्चन, इथाइलीन, इथाइलीन टू कन्वर्ट इथाइलीन टू 1,4-डाइअमाइन, 1,4-डाइअमाइन ब्यूटेन, 1,4-डाइअमाइन ब्यूटेन, इसको इसमें कन्वर्ट करना है अब आपको, ठीक है? तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो ध्यान से। इथाइलिन का मतलब आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, 1,4, तो NH2 CH2 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 NH2, ये हो गया बच्चों आपका 1,4-डाइइथाइल ब्यूटेन, ठीक है? ये आपका इसमें कन्वर्ट करना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर इसकी रिएक्शन अगर वो आपने Br2CCl4 के साथ करा दिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आपका, यहां पर आ जाएगा आपका Br, और यहां पर भी आपका क्या आ जाएगा बच्चों, Br, दोनों जगह आपका Br आ जाएगा, Br2 का CCl4 के प्रेजेंस में। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, KCN अगर मैंने ले लिया एक्सेस अमाउंट में, तो यहां पर CN रिप्लेस हो जाएगा, यहां पर CN, यहां पर CH2 CN हो जाएगा। नाउ फादर अगर मैंने इसको इसका मैंने रिडक्शन करा दिया, तो देखो आपको क्या मिल गया बच्चों, CH2 CH2, इसका रिडक्शन कराया तो NH2, इसका रिडक्शन कराया तो बच्चों आपको क्या मिल गया, NH2। देखो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को डील कर लिया। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है बच्चों, एसिटिक एसिड टू ग्लाइसिन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एसिटिक एसिड टू ग्लाइसिन, एसिटिक एसिड को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, ग्लाइसिन में, ठीक है? तो ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करेंगे बच्चों, ये आपका क्या है बच्चों, आपका यहां पर होमवर्क क्वेश्चन दिया है, ठीक है? फिर भी हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, आपको इसको इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? इसका इसका होमवर्क में आपको क्या करना है, ग्लाइसिन से उल्टा वाला आपको होमवर्क में करना है, ग्लाइसिन टू एसिटिक एसिड, ठीक है? अब देखो ये आपका एसिटिक एसिड है, अब इसकी रिएक्शन अगर मैंने HBZ और Br2 के साथ करा दिया, समझ में आ रहा है बच्चों?
यहाँ पर पीबीआर के साथ, सॉरी पीबीआर के साथ, यही है ना क्वेश्चन? हाँ यही है, ठीक है। तो यहाँ पर CH2BrCOOH हो गया, ठीक है, बात क्लियर है, बात क्लियर है। अब मैंने इसकी रिएक्शन बीआर यहाँ पर मैंने NH3 के साथ करा दिया, तो ये आपको रिप्लेस कर देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा NH2, यहाँ पर आपका आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, सिंपल रिएक्शन है। अगर एक दो बार अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इस रिएक्शन को डील करना है, ठीक है। तो यहां पर आपका ग्लाइसिन बन गया, ये वाला कंपाउंड, ये कंपाउंड, ठीक है। नाउ बच्चों अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, आपको उल्टा करना है, ठीक है। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को समझते हैं कि नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, साइक्लोहेक्साइल अमाइन को आपको कन्वर्ट करने है किसमें, साइक्लो पेंटाइल अमाइन में कन्वर्ट करना है। अब देखो साइक्लोहेक्साइल अमाइन को साइक्लो पेंटाइल अमाइन में कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से करेंगे देखते बच्चों। यहां पर देखो, यहां पर मैंने साइक्लोहेक्साइल अमाइन बना दिया और मैंने यहां पर साइक्लोपेंटाइलामाइन, देखो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे बच्चों। इसको थोड़ा सा अप्रोच समझना, अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, सबसे पहले मैंने इसकी रिएक्शन NH2, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने NaNO2 और HCl के साथ करा दिया, ये तो आप जानते हो। जैसे मैंने इसकी रिएक्शन इसके साथ कराया तो यहां पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। नाउ इसको अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट किया तो यहां पर मेरा क्या बन जाएगा, इस तरीके से। Now, इसकी रिएक्शन अगर मैंने CaCO3 के साथ करा दिया, सॉरी CaCO3 के साथ कराने से पहले अगर मैंने KMnO4 के साथ करा दिया तो यहां से टूटेगा। तो यहां पर देखो ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2, कितने चार CH2 आ जाएंगे बच्चों, यहां पर कितने CH2 आ गए, चार CH2 और यहां पर COOH और यहां पर COOH। इसको हम क्या बोलेंगे, एडिपिक एसिड, इसको हम क्या बोलेंगे, एडिपिक एसिड। Now, इसकी रिएक्शन अगर मैंने CaCO3 के साथ कराया तो वही बनेगा, सॉल्ट बन गया, CaCO3 के साथ सॉल्ट वाले हीट बनाएंगे तो यहां पर आपका साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। इसका मैकेनिज्म आपको खुद लिखना है बच्चों, एक बार ट्राई करना है, इसका मैकेनिज्म काफी सिंपल है, पायरोलाइसिस ऑफ एसिडिक सॉल्ट मैंने करवाया था। नाउ अगर मैंने इसकी रिएक्शन NH3 के साथ कराई तो किस तरीके से होगा रिएक्शन बच्चों, यहां पर H2 हो जाएगा और यहां पर NH हो जाएगा, तो ये इस टाइप का कंपाउंड बनाता है बच्चों, इमीन। आपको कौन सा कंपाउंड बनाता है, इमीन। अब बच्चों देखो आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आप इमीन का रिडक्शन कराओगे तो H2PT के प्रेजेंस में तो आपका क्या बन जाएगा, देखो काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने यहां कन्वर्ट किया। थोड़ा सा आप एक दो बार कन्वर्जन पे ध्यान दोगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा बच्चों। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।